रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन की दुकान पे मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है तो हाँ कहना, नहीं मिल रहा हो तो ना कहना, तो नहीं देने वाले को ठीक करके जाऊंगा। अब कोई पात्रता पर्ची कलेक्टर यहाँ पे है? अगर कोई पात्रता पर्ची वाला गरीब रह गया हो, शिविर विविर लगवाओ या, और जिसकी पात्रता पर्ची रह गई हो उसकी पात्रता पर्ची बन जाए। ये उस जीवन संगठन के सेनापति हैं जो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। अभी चुनाव खत्म ही हुए हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगर और गांव सरकार के लिए मैदान में उतर गए हैं। वे लोगों से सीधा संवाद तो करते ही हैं, वर्चुअल पर भी उनके कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ मुख्यमंत्री जमीनी कार्यकर्ताओं को अगली रणनीति बताएंगे। हमारे विधानसभा उपचुनाव निपटने के दूसरे दिन से मंडल के प्रशिक्षण वर्ग यानी मंडल की कार्य समिति जो बूथ पर नेतृत्व करता है उसका प्रशिक्षण और हर दृष्टि से प्रशिक्षण, चाहे वो चुनाव की दृष्टि से हो, संगठन की दृष्टि से हो, तो हम तो तैयार हैं। हम नगरीय निकाय के लिए भी तैयार हैं, हम ग्रामीण निकाय के लिए भी तैयार हैं, भले ही सिम्बॉल पर चुनाव ना होता हो। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में आ गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही झंझावात में उलझी हुई है। उपचुनाव के बाद पार्टी में ठहराव की स्थिति है, उसके सेनापतियों ने चुप्पी साध रखी है, किसी भी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली से लौटे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी प्रदेश संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई नया मैसेज नहीं दिया है। हालांकि निकाय और पंचायत चुनाव में पूर्व मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। 16 नगर निगम है, उन नगर निगमों में हम पूर्व मंत्री हमारे जो रहे हैं उनके साथ दो दो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर सहयोग के लिए और कुछ जगह हम अपने एमएलए को ड्यूटी लगा रहे हैं। बीजेपी ने 2018 के झटके से बड़ा सबक लिया, प्रदेश में ना सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि अगले 3 साल के लिए सरकार को परमानेंट किया। एमपी के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी संभावना तलाश की जा रही है, उसके नेताओं के बयान ये इशारा करते हैं। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर राजनीतिक हलकों में और पार्टी के अंदर भी चर्चा अच्छी नहीं है। मसलन कांग्रेस डूब रही है, नहीं संभले तो इसका अंत नजदीक है। कांग्रेस ऊपर से बहुत भारी दिखने लगी है, इसमें बुद्धिजीवियों का जमावड़ा हो गया है, लीडरशिप का संकट है, सब आराम तलबी हो गए हैं। इन जैसे अनगिनत सवाल घर में गूंज रहे हैं। सवाल यही है कि क्या नगरीय निकाय में फिर खड़ी होगी कांग्रेस? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पॉलिटिक्स मांगे मोर। और बीजेपी की बात करें तो बेहिचक लगता है कि बीजेपी मांगे मोर। आपको क्या लगा कि बाय इलेक्शंस खत्म हो गए हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो अंदाज हम लगातार देख रहे हैं, उपचुनाव की थकान भी होती है, हालांकि वो एक दो दिन तिरुपति परिवार के साथ यात्रा करके लौटे हैं, लेकिन आने के बाद जिस तरह से तूफानी दौरे उनके जारी हैं मध्य प्रदेश के, और जिस तरह से पूछताछ, जनता से बातचीत, अधिकारियों पर निगाह रखना, ये बीजेपी की भी ताकत है और एक जीवन संगठन जो बीजेपी का है उसकी भी ताकत है। क्योंकि बीजेपी का संगठन ये मानता है कि आगे की जो भी तैयारी मजबूती से अभी शुरू हो जाएगी वही काम आएगी, और यही वजह है। और जिस संगठन का सेनापति, सरकार का सेनापति शिवराज सिंह चौहान हो, वो और तेजी से काम करना पसंद करता है, क्योंकि शिवराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक चुनाव जीत कर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। कांग्रेस के लिए मंजर अभी उदासी से बाहर निकलने का नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस की शैली है, ये कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर, बहुत संगठित होकर, बहुत तैयारी के साथ कोई चुनाव लड़ती हो या भविष्य की तैयारियों में जुटती हो, ऐसा उदाहरण बीते 15 सालों में तो हमने 15 साल से भी अधिक हो गए, 17-18 सालों से हमने मध्य प्रदेश में नहीं देखा। लेकिन क्या बदलते दौर में, जब चुनाव लड़ना एक युद्ध कौशल का बहुत बड़ा पैमाना बन गया है, तो क्या इन परिस्थितियों में जिस तरह से कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही हैं वो पूरी ठीक से हो पाएंगी, वो आगे बढ़ पाएंगी? कई बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन अब्बास हफीज साहब, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं।
और साथ ही ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। सत्यप्रकाश जी, पहली टिप्पणी आपकी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, सुना होगा आपने कि किस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिना, जिसको वो कहते हैं ना कि वो रामायण की चौपाई है, राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो अगला चुनाव जीते बिना मोहि कहाँ विश्राम, यही कुछ भावना लेकर वो आगे बढ़ते हैं और पीछे खड़ा रहता है उनका मजबूत संगठन। उसके बरक्स कांग्रेस को हमने देखा कि वो अपनी शैली में ही चल रही, किस तरह आप इस कंपैरिजन को देखते हैं? 29 नवंबर 2005 फर्स्ट टाइम एज ए सीएम शिवराज सिंह ने जो शपथ ली थी, उस दिन से शायद मैंने उनको कभी रुकते हुए नहीं देखा है। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो एकदम आसमान से जमीन पर नहीं आए, वो जमीन से ही ऊपर चले हैं। उनका जो संगठनात्मक स्टाइल है, जो काम करने का अंदाज है, वाकई उस अंदाज की जितनी तारीफ की जाए आपके चैनल के माध्यम से वो कम नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि वो किसी भी चुनाव के बाद, रिसेंटली आपने लोकसभा का चुनाव, सॉरी ये बायपोल्स देखे, 28 असेंबली सीट्स में 70 से ज्यादा उन्होंने रैलीज अटेंड की कोविड की सिचुएशन में, और कोविड से उठने के बाद। इसका मतलब ये है कि वो संगठनात्मक जो क्षमता उनमें युवा एबीवीपी युवा मोर्चा या बीजेपी में देखने को मिली, शायद वो आज तक इस उम्र में भी उनके अंदर कहीं कोई थकान नजर नहीं आई। सब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, ये तमाम सलाहियतें, ये तमाम योग्यता उनके भीतर है। इससे लड़ना है तो कांग्रेस को भी बदलना तो होगा। एक छोटी टिप्पणी इस पर भी चाहूंगा आपकी। कांग्रेस के सामने शरद जी सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज है, दो सीटों को अपने किस व्यक्ति को दिया जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन और पीसीसी चीफ। ये बड़े सबसे पहले सवाल तो उनके सामने यही खड़ा है। तब वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन के बीच में जा पाएंगे। कांग्रेस की, आपने जैसे कहा कि उनकी एक नेचर है उस पार्टी का कि वो एंड टाइम पर किसी चीज को करते हैं, जबकि भाजपा ऐसे ही पूरे देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं बन गया। वो हर समय चुनाव लड़ते हैं, हर समय संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं, जबकि कांग्रेस को आज की डेट में ऐसा नहीं देगा। बीजेपी टोटली लोकल बॉडीज के इलेक्शन के बोर्ड में आ चुकी है, जबकि कांग्रेस नहीं दिख रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा दूसरे चरण में आपकी तरफ। एक जल्दी से क्विक रिएक्शन लेता हूं बाद हफीज साहब का, फिर रजनीश जी और फिर मैं आपकी तरफ लौटूंगा। जी हफीज साहब, क्या क्या वजह है जी? अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है भारतीय जनता पार्टी का शरद जी, अलग तरीका है काम करने का। कांग्रेस पार्टी का एक सदी से चला आ रहा तरीका है, वो उसका अलग तरीका है। जरूरी नहीं है हर चीज दिखती है। बहुत सारे लोग कहते थे कि 2018 के अंदर हम सिर्फ बातें करते हैं, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं होगी, पर हमारा वही स्टाइल ऑफ वर्किंग था और उसके हिसाब से हम जीते। आज नगरीय निकाय को लेकर सब लोग चिंतित हैं, हमारे संगठन में बहुत से परिवर्तन होते हुए दिखते हैं। आज जो जरूरत है, हालात हैं, जिस तरह की आज नीड ऑफ द आर है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कमलनाथ जी की नज़र सब चीज़ों के ऊपर है, सारे नेताओं के साथ समन्वय है, समन्वय के साथ साथ उन जो जो प्रभारी मंत्री रहे हैं जिलों के, जब हमारी सरकार थी, ऐसे किसी मॉडल के साथ हम नगरीय निकाय में जाने की हमारे रणनीति है, जो हर चीज़ डिस्क्लोज हर समय पे नहीं कर सकता है व्यक्ति, लेकिन हाँ उस तरह की बातें होनी है कि जिन्होंने 15 महीने देखा है उन ज़िलों को, उनकी रणनीति, उनका क्या रोल रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा है। आने वाले समय के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन बीजेपी शोर मचाती है, मानते हैं बीजेपी का तरीका है, बीजेपी हर चीज़ को सेलिब्रेट करती है, भले ही कुछ ना हुआ हो उसके बाद भी उनके लिए बताने को उनके पास हो जाती हैं चीज़ें जो सच भी नहीं होता। तो हमारी रणनीति है, रणनीति बना रहे हैं, रणनीति के साथ जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के साथ। जहाँ ऐसे बहुत सारे नगर निगम हैं जहाँ पर बरसों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उनके हालात जनता के सामने हैं, हमारी रणनीति इस पर भी है कि कैसे हम जनता के सामने उस पूरे के पूरे दृश्य को दिखाएंगे, और आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा। चलिए देखते हैं। अब किसी गज़ल का शेर है कि सन्नाटे शोर मचाते हैं, तो आपका जो ये सन्नाटा है, ये चुप्पी है, ये खामोशी है, ये शोर मचाए, इसका इंतज़ार आपके समर्थकों को सबसे पहले है, कांग्रेस कार्यकर्ता को सबसे पहले है, और आवाम भी देखती है कि आपकी ये चुप्पी ये खामोशी क्या एक वाकई एक क्रिएटिव ताकत में बदलती है। रजीश जी, सब कुछ अच्छा है, अनुकूल है, सरकार मजबूती की बन ही चुकी है, और आपके सरकार के सेनापति और संगठन के सेनापति दोनों युद्ध के मैदान से निकलने के बाद भी
ना उन्होंने अपने शिरस्त्राण और अपने कवच को खूंटी पर टांगा है, बल्कि वो सब अपनी शमशीरें लेकर अभी भी मैदान में बराबर नज़र आ रहे हैं, और यही बीजेपी की ताकत भी है। क्या देखते हैं आप और आगे इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, ख़ासतौर से शिवराज सिंह चौहान तो ऐसा लगता है कि 2018 में जो कुछ भी तथाकथित रूप से जो कुछ कमजोरियां छूट गई थी, ऐसा लगता है कि वो बहुत कम वक्त में उसको फुलफिल करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। जी रजनी जी, देखिए दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आपके मंच पर साझा करूँ। पहली बात तो जो सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, मुझे अचानक बावर्ची फिल्म याद आ गई, राजेश खन्ना की फिल्म थी और उसमें राजेश खन्ना का एक डायलॉग मुझे सदा ध्यान रहता है। वो कहते हैं कई बार छोटी छोटी खुशियों को हम छोड़ देते हैं किसी बड़ी खुशी के इंतजार में और उसको हम इंजॉय नहीं करते, और ये सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण बन जाता है और हम बड़ी खुशी के इंतजार में बने रहते हैं। तो भाजपा निश्चित तौर पर हम जहां सेलिब्रेशन करना चाहिए उसे हम सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता का श्रम का काम होता है, परिश्रम का काम होता है, उसकी खुद की मेहनत होती है। हमें किसी में बपौती में या कहीं से विरासत में कुछ नहीं मिल जाता, कार्यकर्ता की मेहनत से मिलता है, विचारधारा की निष्ठा से मिलता है, संगठन के काम से मिलता है, और उसी आधार पर जब उपलब्धि प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर वो आनंद की अनुभूति है, वो कोई दूसरा उसको शब्दों में भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मैं उसे और भी उपमा अलंकार दे सकता हूँ, लेकिन आपने कई विषय छेड़े हुए हैं। जो मुख्यमंत्री शिवराज जी के बारे में 2005 की बात याद दिलाई, निस्संदेह रूप से जब से चले हैं तब से कभी उन्होंने थमे नहीं। जब से क्या, जब से विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति की तब से नहीं थमे। विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, लगातार ऐसे आंदोलन खड़े करना, तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम देना, अभियान चलाना, शिवराज जी संगठन में हो या सरकार में, उन्होंने लगातार किए हैं। और सरकार में भी गवर्नेंस की डिलीवरी दी है, इनोवेशन किए हैं, नवाचार किए हैं, योजनाओं को लेकर आए हैं जो जनता के लिए जरूरत की थी, और वो उन्होंने यथार्थ में परिणित की हैं। केवल हवा हवाई कागजी योजनाएं नहीं, और वो योजनाएं इतनी कुशलता से रही हैं कि शिवराज जी जो कभी मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं रहे, कभी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री के रूप में रहे और वो स्थापित हो गए। गरीबों के बीच, किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, अनुसूचित जाति के बीच, जनजाति के बीच में, जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। सबमिशन रजनीश भाई, आपने जो बातें करी, मध्य प्रदेश इतना कर्ज के अंदर डूब गया उन 15 साल में, तो शायद उस व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं उनको रुकना चाहिए था, थमना चाहिए था, संगठन के किसी और को मौका देना चाहिए था। उसके बाद इतनी बेरोजगारी हो गई मध्य प्रदेश में आज कि हमारा युवा परेशान हो चुका है, आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, उसके पास कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे नहीं था कि आपका संगठन बेशक बढ़ता चला गया, पर इस मध्य प्रदेश का संगठन जो परिवार थे वो पीछे जाते चले गए। तो मुझे लगता है कि ये तारीफ गलत होगी। रजनी जी, जी जी मुझे लगता है कि कुछ छोटा सा तकनीकी व्यवधान है इसमें बीच में। मैं एक बार सत्य प्रकाश जी की तरफ रुख कर लेता हूं और फिर हम देख लेंगे कि वो व्यवधान कितनी जल्दी दूर होता है, और अगर इन बिटवीन दूर होता है तो मैं रिएक्शन भी ले लूँगा। सत्य प्रकाश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। वाकई ये बात तो सही है कि जिस तरह से शिवराज आगे बढ़ रहे हैं वो एक उनका अंदाज़ है उनकी राजनीति का, सियासत का। कांग्रेस के लिए मैसेज बहुत साफ हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये तय होना है कि 2023 की कमान क्या कमलनाथ जी के हाथ में ही रहेगी, दिग्विजय सिंह जी की उसमें क्या भूमिका होगी, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह जी, तमाम युवा नेताओं की क्या भूमिका, गोविंद सिंह जी भी डॉक्टर गोविंद सिंह भी अपनी भूमिका को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, और फिर अजय सिंह जी को भी हम नहीं भूल सकते हैं और ना अरुण यादव को भूल सकते हैं, फिर और बहुत सारे जी ऐसे हैं कांग्रेस में जो अपनी अपनी भूमिकाएँ बहुत सुस्पष्ट चाहते हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए गाड़ी कहाँ अटकती कहाँ है? At present, after getting a massive victory in recently concluded by polls in Madhya Pradesh, BJP is riding high. जी। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, घोड़े पर सवार होकर बीजेपी इस समय चल रही है, उसके लिए उपचुनाव जो लोकल बॉडी की चुनाव बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो आपने बात कही है, कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, ये जो 28 विधानसभा उपचुनाव में उसकी जो हार है, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग था, उसको उसमें सरकार में आने का पूरा आशा थी, चांसेस थे, लेकिन वो नहीं आ पाई। तो
तो जिसके कारण एक बीजेपी के चिंतन और मनन की आवश्यकता है। रही सही बात जो आप 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 के लिए अभी 3 साल का वक्त है लगभग। 3 साल के वक्त में जो फर्स्ट लाइन की लीडरशिप है आई थिंक वो अबव 75 हो जाएगी। तो जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, मेरे ख्याल से 2023 में आपको कांग्रेस के अंदर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि हमने कमलनाथ जी को देखा, दिग्विजय सिंह जी को देखा, कमलनाथ जी को 2018 में देखा, लेकिन 2020 का जो बाइपोल्स थे वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का एक परीक्षण था, जिसमें अगर वो पास होते तो निश्चित रूप से आगे की लाइन पर वो जाते। लेकिन यहाँ उनकी जो हार है ये कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि मध्य प्रदेश में जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, अगर कांग्रेस इसको लाती है तो उसका फायदा कांग्रेस को आई थिंक 2023 में मिल सकता है। ये मेरा आंकला है। और वहीं अगर भाजपा की तरफ चलते हैं अपन, तो हाँ एक बात और आपने कही थी कि जो गोविंद सिंह जी हैं, सज्जन वर्मा जी भी हैं, एक्चुअली ये लोग भी इक्विवेलेंट टू दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी, इन्हीं के एज के हैं। इनका एक लेवल रहा है कि मंत्री लेवल के लोग हैं और भले ही ये कद्दावर नेता है लेकिन ये चंबल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता, वो वैसे भी घोषणा कर चुके हैं कि मैं 2023 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि आगे 2023 में इनका कुछ भविष्य नजर आएगा। 2023 में जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, लाइक ज्योति पटवारी, जयवर्धन सिंह, इसी टाइप की जो लीडर, क्या कब मुहूर्त निकलेगा उसका? अरे आप जल्दी से नारियल फोड़िए और जल्दी से टीका वो लगाइए, जिसको पुराने समय में, अब तो नहीं है लोकतंत्र में लेकिन फिर भी शब्द जुबान पर आ जाता है इसलिए बोल देता हूँ, कि टीका राजतिलक वगैरह करके नए नेतृत्व को सामने लाइए। रजनीश जी की छोटी सी टिप्पणी ले लूँ, कुछ बात हफीज साहब की जवाब देना चाह रहे थे, जुड़ गए, फिर मैं हफीज साहब से जरूर जवाब लूँगी। कब तक हफीज साहब बैठे रहेंगे? इनका भी टीका, इनको भी टीका लगाकर इनको भी मैदान में उतारना चाहिए। जी रजनीश जी, देखिए मैं बात कर रहा था विकास की, और विकास के पैमाने मध्य प्रदेश में 15 साल में देखे हैं। जो आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था के मामले में तो मैं कह रहा था कि -4% की विकास दर थी जो डबल डिजिट में हुई 2018 में छोड़ते समय तक, और उसके बाद में जो जिस कर्ज की ये बात कर रहे हैं, कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए जो राजस्व प्राप्ति होगा 21 से 22% जमाने में जाता था, जो शिवराज जी के जमाने में 6 से 7%। तो ये अर्थशास्त्र केवल नुक्कड़ सवाल का वापस नहीं हो सकता, अर्थशास्त्र को उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको पकड़ के देखना पड़ेगा। और विकास सबने देखा है, और मैंने तो कहा सितंबर अक्टूबर 2019 अब्बास जी में बात पूरी कर लूँ, सितंबर अक्टूबर 2019 में कमलनाथ सरकार ने स्वीकार किया विकास कितना मध्य प्रदेश में हुआ, जो शिवराज जी के शासनकाल में 15 सालों में हुआ, चाहे वो एग्रो प्रोडक्शन के बारे में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के बारे में हो, एक एक करके तमाम गिना सकता हूँ और डेट के साथ बता सकता हूँ कमलनाथ सरकार ने एक्सेप्ट किया। तो ये एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं संगठन की विशेषता, 10 तारीख को परिणाम आए, 11 तारीख को हमारे प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी, 1,059 मंडलों में प्रशिक्षण 29 तारीख से 15 तारीख तक। तो मंडल प्रशिक्षण में आने वाला कौन है? मंडल की कार्यकारिणी वो बूथ पर नेतृत्व तो करता है, जो नीचे काम करता है सीधा वोटर्स के संपर्क में रहता है, उसका प्रशिक्षण 2 दिन का प्रशिक्षण और पूरे अभियान के तौर पर प्रशिक्षण, तो वो काम। और वहाँ गवर्नेंस को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी उस जमीन पर जाकर उसकी परख कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विशेषता है, इसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अगर ऑनलाइन भी कर सकते हैं प्रतिपक्षी के नाते, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी अहर्निश चरैवेति वाली पार्टी है और संगठन उसकी मूल शक्ति है। और इसका कितना लाभ होता है अभी आप कह सकते हैं कि चुनावों में बराबर उसको फायदा मिलता है। आप कुछ प्रश्न भी उठा सकते हैं कि जहां सफलता नहीं मिली या पहले क्यों सफल नहीं हुई, लेकिन जो संगठनात्मक गतिविधियां बीजेपी की हैं वो निसंदेह बीजेपी को एक हमेशा एग्रेसिव मोड पर भी रखती है। हफीज साहब, आपके यहाँ जो कुछ परिवर्तन होना है अब तो साहब सामने आ जाना चाहिए। क्यों आप ऐसा मान रहे हैं कि अब भी वक्त लगेगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीज़ें होंगी? अब तो बहुत जल्दी आपको एक क्लियर पिक्चर रखनी चाहिए सामने।
शरद जी, सबसे पहले तो देखिए, अगर परिवर्तन के लिए कोई इस वक्त हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। नगरीय निकाय है, ज़िले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डीसीसीज बदलनी है, कहीं कहीं जहां परिवर्तन होना है उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर आप प्रदेश के संगठन की बात करें तो वो बहुत हार्ड एंड फास्ट अभी नहीं करना उसको ज़रूरत है, लेकिन हाँ, कमलनाथ जी का उस पर भी आला कमान के साथ डिस्कशन हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी राइडिंग हाई ऑन इट्स मैंडेट, जो कहा डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ, जो उन्होंने कहा मैसिव विक्ट्री, तो डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे मैं उससे असहमत हूँ। इफ़ द लूजिंग साइड गॉट 42% ऑफ द वोट शेयर, आई थिंक कॉलिंग बीजेपीज विक्ट्री अ मैसिव वन विल बी द अनजस्टिस। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि हम हारे तो हैं पर 42% लोग हमारे साथ रहे हैं उसके अंदर, तो मैसिव विक्ट्री नहीं हो गई है किसी की। वो एक परसेप्शन बनाते हैं जिसकी वजह से हम सब चर्चा में कहते हैं हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो मैंने कहा था सेलिब्रेट करने लगती है जैसे कि उसने किला फतह कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर कैसे हालात हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हमें उनके आंतरिक हालात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपना देखना होगा कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ हमें सही करना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा संगठन उस दिशा में जा रहा है कि क्या क्या गलतियां रही। आपने एक बात कही थी, बस उस पर खत्म करना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोगों को पार्टी कब आगे, तो पार्टी ने मेरे जैसे लोगों को, आज मेरी आयु 32 साल है, यहां बिठाया हुआ है और ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। ये कांग्रेस पार्टी अपने युवाओं को बहुत सारी जगहों पर लाती है, इसीलिए हमने मध्य प्रदेश में सबसे युवा कैबिनेट दिया, मध्य प्रदेश में किसी सरकार ने नहीं दिया था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको बीजेपी दिखने नहीं देती अपने परसेप्शन मैनेजमेंट के माध्यम से। ये उनकी कलाकारी है, उसको अच्छी चीज़ है उनके अंदर। ये अपनी उम्र का जिक्र किया डॉक्टर सत्य प्रकाश शफी साहब ने, लेकिन इनकी उम्र में और रजनीश जी की उम्र में जो इसके आसपास ही है, इस उम्र में शिवराज जी और उनकी पीढ़ी के तमाम नेता जो हैं वो एक एक टर्म की विधायकी कर चुके थे सर, चाहे वो कैलाश जी हों, चाहे कमल पटेल जी हों, चाहे अजय विश्नोई जी हों, ये तमाम लोग, तो ये पीढ़ी थोड़ा इंतज़ार करने के लिए तो विवश हुई है और ये इंतज़ार कई बार मुश्किल में भी डालता है। मैं नहीं कहता प्रवक्ता बहुत जिम्मेदारी का पद है, लेकिन प्रवक्ता ही क्यों साहब, अब आप प्रवक्ता बनाते हैं तो विधायक भी बनाइए इनको, विधायक बनाने के साथ और बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, संगठन में और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए। खैर ये सवाल तो अपनी जगह अलग है, विषयांतर नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कर लें। अब्बास जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब्बास जी 2018 में बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि वो वास्तव में घोड़े पे सवार होकर पार्टी चल रही है इस समय। 2018 में आपका वोट शेयर बीजेपी से कम था, लेकिन सीट आपकी ज्यादा थी, हमने एक सीट लड़ी भी नहीं थी। यहाँ पर आपने देखा 19 out of 28, इसको मैसिव विक्ट्री नहीं कहें तो हम क्या कहेंगे। एक्चुअली हम लिखते भी हैं, जब हम आर्टिकल लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो उसमें यही लिखते हैं बीजेपी के लिए यही लिखा जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा था। आपको मैंने अनबायस भी नहीं कहा, मैंने कहा कि ये कहना गलत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश बनाती है। देश को शिवराज एक ऐसा सीएम है जिसको पूरे देश में एक अकेले सीएम है जिनको लोग मामा कहते हैं, तो मामा का अपना अंदाज यार उसको कहना पड़ेगा। आज वो हमारे प्रदेश के सीएम है, तो जो कर रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक सीएम की बात कर सकते हैं, पार्टी की बात नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगा है अब्बास जी, मैं आपको थोड़ा सा 2018 का सवाल ही नहीं उठा रहा सर। एक बड़ी अच्छी बात यह भी है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को जिस भी निगाह से देखें, लेकिन कभी भी आप उस पर हंसने की कोशिश ना करें, ये एक बड़ा अच्छा थॉट रहता है ऐसा माना जाता है। और ये चीज़ हमने ये भी देखा कि चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, कई बार उनका एक दूसरे के प्रति एक बड़ा मजाहिया अंदाज हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जब आप स्टडी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, शायद वो चीज़ छिपनी नहीं चाहिए। रजनीश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मैंने तो कहा कि सरकार तो परखी जाती है जनता के प्रतिसाद से, रिस्पॉन्स से, जब चुनाव होते हैं, और हमने एक नहीं सिंबल पर 12 चुनाव लड़ चुके हैं 2003 से लेकर अब तक, और ये 28 चुनाव विधानसभा का चुनाव। मैंने आपके ही चैनल पर आपके साथ चर्चा में कहा था कि शोध और अध्ययन का विषय रहेगा, और वो बात अभी जो पत्रकार महोदय आपके साथ जुड़े हैं सत्य प्रकाश जी, उन्होंने कही भी कि ये हमें आसान चुनाव नहीं था, चुनौतीपूर्ण था, जिनके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको पार्टी में आने के बाद में उनके लिए लड़ना, उनके लिए चुनाव में काम करना,
मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर पॉलिटिकल आप उस फैली में देखेंगे तो सामान्य बात नहीं, वो चुनाव भी हमने बड़े अंतर से जीता है। ये कार्यकर्ता की निष्ठा दिखती है, समझो तो ठीक, ना समझो तो बट आपकी मर्जी। जी अब अब्बास हफीज साहब बहुत सारी बातें यहाँ नहीं कह सकते हैं, ये बहुत बहुत कंक्लूडिंग कुछ 30 सेकंड। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है सत्ता में रहते हुए, इसका असली लिटमस टेस्ट जो होगा 2023 में टिकटार्थियों के रूप के अंदर भाजपा को देखने को मिलेगा। जब 25 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरफटबल की स्थिति होगी तो हम हंसेंगे नहीं, हम अपने संगठन के लिए अपनी तैयारी करेंगे। पर यह कह देना कि ये एक शोध का विषय है तो ये शायद आगे आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। अभी तो वो था, कह दिया था कि भाई इन्हीं की विधायक की बची थी, इन्हीं करने दो, आने वाला समय बहुत कुछ बताएगा। लेकिन हम आपकी शुभकामनाएं रखते हैं, हम चाहते हैं लोकतंत्र में दोनों पार्टीज मजबूत होकर उठते रहे, हमारा तो यही विचार रहता है हमेशा से। चलिए ये बहुत जरूरी है कि लक्ष्य निगाहों से ओझल ना हो, इसीलिए बड़ा खूबसूरत शेर है जो मेरे जहन में अटका है, इसलिए मैं उसको अपने जहन से निकाल कर आपके रूबरू कर रहा हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। अगर आप चलते हैं तो चलते चले जाते हैं, और अगर आप मील के पत्थरों में उलझ गए तो आप अटक जाते हैं। बहुत कठिन होता है मील के पत्थरों को देखना और बिना देखे आगे बढ़ जाना, और कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि मील के पत्थरों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने वाले नेताओं की कोई कमी रही है। अभी उनका एक नगीना विदा हुआ इस दुनिया से, नाम अहमद पटेल है, जिन्होंने 2014 में जब ऑफर भी किया गया कि सत्ता का लुत्फ उठाएं, आएं आप तो पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं सोनिया जी के, और उसके पहले राजीव जी के बहुत करीबी रहे हैं, तो शख्स ने यही कहा कि नहीं साहब, मैं जहां काम करने का आदी हूं और जहां काम करना मुझे रास आता है मैं वहीं काम करूंगा। राजीव जी ने भी ऑफर दिया तो अब भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहमद पटेल कांग्रेस में रहे हैं, अभी भी होंगे, लेकिन ऐसे अहमद पटेल जितनी बड़ी संख्या में किसी भी पार्टी में होंगे, वो कांग्रेस में होंगे तो वहाँ चमकेंगे और अपनी पार्टी को चमकाएंगे, और बीजेपी के पास तो बीजेपी ये कह सकती है कि इस दौर में भी और पहले भी अहमद पटेल या उनसे भले ही आप बात कर लें, नाम भिन्न हो सकता है, मिजाज भिन्न हो सकता है, लेकिन सोच की दृष्टि से, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी बहुत आदर से अहमद पटेल साहब को याद किया, निश्चित तौर पर पार्टी को गढ़ते हैं संगठन के वो शिल्पी जो पर्दे के पीछे रहते हैं, और जब कोई धन्यवाद करता है उनको या आके कहता है आपको इसके कुछ आपके पेशे खिदमत करूं, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं आप एंजॉय कीजिए, हम तो अपने नए टास्क में जुट गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नमस्कार।